है fellas, welcome। आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं बैड पेरेंटिंग। क्या फॉन्ट लिखा हुआ है, BFD पेरेंटिंग। वेल इस गेम को देख के लग रहा है कि ये काइंड ऑफ रिएक्शन टाइप होने वाली है गेम। इसमें प्ले तो क्या ही करेंगे हम बहुत पुराने ग्राफिक्स लग रहे हैं। और आई होप ये वीडियो देख के किसी को रिलेटेबल वाली फीलिंग ना आए, यू नो, बैड पेरेंटिंग। आई होप अगर इन केसेस बच्चे की वाइपर से पिटाई हो रही है या झाड़ू लग रही है इसके पिछवाड़े पे तो फिर बात अलग है, वो रिलेटेबल हो जाएगा फिर मेरे लिए बहुत। जोक्स असाइड, मैंने सुना है कि ये काफ़ी, पता नहीं, बहुत गहरी गेम है। तो लेट्स प्ले, लेट्स चेक आउट क्या है इसमें। करेज द कावर्डली डॉग की याद आ रही है। मिस्टर रेडफेस, एंग्री डैड की बात तो नहीं हो रही। मॉम यू आर होम लेट अगेन, कम ऑन, आई वॉज बिजी विद वर्क। मुझे क्लिक कर, यस। कैन यू हैव सम सिंपैथी फॉर मी, बट टुडे इज माई बर्थडे। Oh, of course. I know that. Okay. I mean, mom birthday भूल जाना तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो वो इतना प्यार करती नहीं या फिर वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। पर गेम का नाम बैड पेरेंटिंग है, so maybe they just don't care about the kid. Then where is my gift? क्या बहाना मारूं, हाँ? Have you ever heard of Mr. Redface? Oh. On the birthday of good children, Mr. Redface secretly leaves gifts while they are asleep. Really? Of course. If you want to get your gift, you have to go to bed right away. I'm going to bed right now, Mom. Wait, that's whoa. You're fooling the kid again. आई मीन, वो फूलिंग तब होगा जब इसे गिफ्ट ना मिले। अगर ये अभी बेड पे चला जाता है एंड पेरेंट्स कोई गिफ्ट दे देते हैं इसे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम होम दिस लेट? ओह, मॉमी गड़बड़ है क्या? आई वॉज वर्किंग एंड माई शिफ्ट एंडेड लेट। बुलशिट। ओके डैडी, तू घर में क्या कर रहा है? तू जाता है जॉब पे? मेरे को स्टोरी जाननी है थोड़ी सी। You still think I'm an idiot, don't you? Oh, Daddy, calm down. You are scaring me. Hey, little shit. Oh, maybe Daddy is the problem, yaar. Maybe Daddy बस कि हमारा टेढ़ा है, मम्मी मेहनत कर रही है। Hey, little shit, get back to your room. Don't stand here eavesdropping on grown-up conversations. How am I eavesdropping? मैं conversation का part था बुड्ढे। तू बुड्ढा ही है, bald है क्योंकि बाल नहीं है ना। है भाई, मैं conversation का part था। Actually तुम मेरे बारे में conversation कर रहे थे, अपने बारे पे लेके चले गए। Bad parenting. Okay, सन क्या ही बोलेगा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा तो हूँ ही मैं। क्या हुआ डैडी? ओ अच्छा, ओ आई कैन कंट्रोल, ओ वी आर प्लेइंग द गेम एक्चुअली। मॉमी आर यू ओके? आपको मारता है ड्राम? ओ भाई साहब, विलन लग रहा है तो एक्चुअल में। क्या आपको मारता है? हैं भाई, आई लैशेस वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है आपने तो भाई, फुल मेकअप शेकअप। ये चड्डी वगैरह में ये ठीक है। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सुपर वुमेन टाइप हो, लाइक सीक्रेट आइडेंटिटी छुपा रखी है। सुपरमैन पहनता है ऐसी चड्डी। मम्मी फैशन बदलो। गुड नाइट गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय। पुराने ग्राफिक्स की गेम की बात ही कुछ और है। कैन आई डू एनीथिंग एल्स? कितनी भी डिप्रेसिंग गेम हो, यू नो आई लव टू एक्सप्लोर। वेयर इज माई रूम? घर तो बड़ा है तुम्हारा, पैसा वैसा तो है पापा के पास आई गेस। ओ अपने आप ही बंद हो गया भाई। स्लिप। वो मुझे नींद आ जाएगी, कंटिन्यू करो स्टोरी, मुझे नींद आ रही है। अब ऐसा ना हो सुबह उठ के मम्मी बोले कि तेरी वजह से मेरे पाप, वो आराम से, तेरी वजह से लड़ाई हो गई है। ओपसी, कौन आ रहा है? ओए हू द हेल आर यू? अंकल जी आए हैं रिलेटिव। ओह नो, वो सही में हू द हेल आर यू? रेडफेस, मे बी ही इज आवर डैडी। वो रेड फेस लगा के आया है गिफ्ट देने हमें, तो जाके वहां छुप गया। गुड मॉर्निंग, ओ मेरा गिफ्ट, अ डॉल, हेलो। वो तो छुप गया भाई जाके। इज दैट द गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर रेड फेस? गेम थोड़ी सी डार्क है। नो वे भाई, डॉल। हाय आई एम रॉन। अबे अल्लाह, बोलती है डॉल। What? You can talk? Of course, because I was created by magic. You even have the same name and appearance as me. Name क्या है तेरा son? I mean मेरा, मेरे को मेरा नाम नहीं पता, नाम तो बताओ। That's right. Master made me just for you. But your neck क्या होता है शुभम? But your neck seems a bit loose. It's okay. Sometimes my master makes mistakes. This is just a small flaw compared to the other dolls. What's important is that from now on, I'll be your best friend. That sounds wonderful. Yeah, मेरी नई doll, I'm happy. 28 साल का grown adult हूँ मैं, क्या हरकतें कर रहा हूँ ये? Do you want to play something with me? Something? क्या? छुपन छुपाई। ये डॉल वॉक कर सकती है, नीचे रख और चला के देख इसे। My master stored my toys in the closet. Can you get them for me? अबे तू खुद एक टॉय है, ये क्या है? फोर्थ वॉल तोड़ रहा है। यहाँ पे बैठ तू। Can I throw him? The closet is still stuck. Can you try that again? No, I will go here. मम्मी, एक सस्पिशियस डॉल किसने रखी है? रेड फेस आया था, बापू है क्या हमारा? I've tried my best. I can't open it. Do you want me to do something else? I'm hungry. You're a doll. Can you even eat? No, you'll be the one eating, but I'll be able to feel everything you eat. My master linked all your senses and emotions to me, so I can easily understand you. Oh, shut the fuck up! तू इतनी भारी words, emotions और senses ये सब एक बालक को बोल रहा है। ये 3-4 साल का बालक है। तेरे को लग रहा है मैं समझ रहा हूँ ये बात? Oh, maybe मैं God gifted हूँ। Maybe I am just so intelligent कि मेरे को सारी बातें समझ में आ रही हैं इसकी। Wow, that's amazing! Oh, I guess मैं समझ रहा हूँ भाई। I'm intelligent. मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। इतना अच्छा सन है तुम्हारा, है सेंसेस, इमोशंस, इनको समझ रहा है वो। ये माँ बाप की प्रॉब्लम क्या है? गॉड गिफ्टेड सन मिला है तुम्हें। ये टॉयलेट पेपर है, ये एस्ट्रे है, बीड़ी पीता है तू, गायत्री सिगरेट इसके नीचे। बेड भी ऐसा कुछ छुपा नहीं सकता बेचारा। घनी सारी बुक्स हैं भाई, गॉड गिफ्टेड तो हूँ मैं, बुक्स पढ़ता है बंदा। टीवी है अपना, मेरे कमरे में मेरा अपना टीवी है भाई। यार चौड़ तो है, देखो पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, इतना मैं समझ गया। फिर प्रॉब्लम क्या है? अफेयर चल रहे हैं मेरे मॉमी के, मॉमी से बात करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मॉमी, आई होप यू आर नॉट डेड। कहीं बापू ने पीट पाट दिया हो भाई। ये क्या दारू की बोतलें रखी हैं? ओह नो, यू आर रीडिंग दिस लेटर एट 1 PM, आरंट यू स्लीपी हेड? आई हैव प्रिपेयर्ड योर फेवरेट डिश इन द फ्रिज, सो रिमेंबर टू हीट इट अप बिफोर ईटिंग। लेटली आई हैव नोटिस्ड यू हैव बीन गेटिंग लेजी अबाउट ईटिंग। यू नो आई डोंट हैव मच टाइम एट होम, so please learn to take care of yourself and stop making me worry. One more thing, don't forget to take your medicine after eating. Bro, बाप में ही प्रॉब्लम लग रही है यार। मॉम का ये लेटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो शी इज फाइन, लाइक वो तो अपनी पूरी मेहनत कर रही है भाई। आई थिंक शी इज वर्किंग हार्ड, शी इज ट्राइंग कि घर सही रहे, बट अपना डैडी इज द प्रॉब्लम। मे बी मॉमी फैक कर रही है, फेक आई मीन, वो फेक एक्टिंग कर रही है डैडी को फंसा नहीं। पर डैडी की बात से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आई गेस स्क्रिप्टेड एक्शंस है, लाइक ऐसा कोई एक्सप्लोरिंग वाला सीन नहीं है इसमें। तो लेट्स हीट अप द फूड। ओ टीवी, ओ मे बी नहीं। वेयर इज द फूड? पिल्स रखी है यहाँ पे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अबे एक, यू आर होल्डिंग समथिंग एल्स, हाउ डू आई थ्रो इट? ओ टेढ़ी गर्दन है, हाँ इसकी नेक मुड़ी हुई थी ना। एनी जम्प स्केयर्स इसमें? ओ अच्छा, अपने आप ही बंद होता है। ओ माय, ये टीवी नहीं है, माइक्रोवेव है ये। Hey, we got the food. Is that your favorite dish? Do you want to see me perform some magic? Sure. इस डॉल की आवाज़ थोड़ी बदलनी पड़ेगी, मेरे को ज़्यादा वॉइस इंप्रेशंस आते नहीं हैं। यस प्लीज नहीं, यस प्लीज। मैं सन में हम सीरियस रहते हैं, मेन कैरेक्टर हमेशा सीरियस, हमेशा बैडएस। ये डॉल को कोई कार्टूनिश वॉइस देते हैं हम। All right, I'll make this plate of food never run out. Oh, that's now. Oh, hello. But doll मेरा friend बनेगा तो hello. Oh यार चाहिए मेरे को इधर आ। जब मैं बिरयानी बिरयानी खाऊंगा ना, वो शाम तक के लिए मस्त, फिर ताकि मैं दोबारा खा। Never run out पर खराब भी तो होगा food. Never run out के साथ साथ अगर तू fresh कर रहा है तो हम अपनी डील बनाते हैं, इस बच्चे को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई? ये तो अच्छा है। Every time you finish eating, the dish will be restored to its original state. Oh, this is nice. I need it. What do you mean finish eating? मतलब अगर मैं एक चम्मच जैसे छोड़ देता हूँ चावल, तो इसका मतलब I have not finished eating yet. ठीक है, 3 घंटे के लिए रख दिया उसे, लास्ट के चम्मच खाई एंड बूम रिफ्रेश, मजा आ जाएगा यार। ओके ओके सीरियस हो, बैड पेरेंटिंग है ये, डीप है चीजें, आई कांट जोक एवरी टाइम। चलो भाई हो गया, पर एक बच्चा हूँ मैं, कितना ही खाऊंगा। ओ वाओ मैजिक, ये वाओ दैट्स अमेजिंग। व्हाट एल्स कैन यू डू? ओ दारू नहीं पीनी, नो नो एल्कोहल, वो नो दारूपंती। ओए अकेले अकेले पी रहा है तो पूछ ही लेता यार कि तू भी मतलब थोड़े मैनर्स। वाओ अनएक्सपेक्टेड। दारू उसने पी, हेलुसिनेट मैं कर रहा हूं। ये क्या बात हुई? What just happened? I don't know. You guess. Oh no, the bottle. My dad's gonna whip my ass. I hope he's still asleep. Oh हाँ, वो टूट गई ना बोतल तो। अब बापू बुद्धि तोड़ेगा। पिटाई टाइम। अगर वाइपर है तो इट्स एक्सेप्टेबल, झाड़ू है इट्स एक्सेप्टेबल, डंडा नहीं होना चाहिए, तेज लगता है वो। और बाकी अधेड़ ओढ़े अगर पड़े हो बापू जी, अधेड़ ओढ़े नहीं प्लीज। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर से फेंकना नहीं है, उसमें जान जा सकती है। और बाकी सोच के बताऊंगा। योर डैड, डोंट वरी, माई मास्टर हैज टेकन योर डैड अवे। ओ गॉड, अवे कहाँ मेरे भाई? पापा को तो किडनैप ही कर लिया। लाया भाई, मैं तो पापा से डर रहा था। What did you say about my daddy? तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हमारे घर में आ गया, हमारी दारू पी रहा है, मेरे बापू को किडनैप कर लिया, पर उसने मेरा खाना भी तो डबल करा। आई गेस हम बराबर हो गए, इट्स ओके। और डैडी से मिलके आते। क्या हो गया पापा जी? आर यू ओके माई फ्रेंड? आई माई डैडी। ओ डैडी व्हाट द हेल इज हैप? ये तो मेरी डॉल है, या फिर ये पापा की डॉल। पापा को भी गिफ्ट दिया है उसने, बर्थडे तो सिर्फ मेरा था। व्हाट द हेल रेड फेस, धोखेबाजी। मेरे पापा ने भी गिफ्ट की डिमांड करी थी, शर्म ही नहीं है भाई पापा को। देखो मुझे पता है ये बहुत सीरियस गेम है और मुझे सीरियसली खेलना चाहिए, बट आई कांट हेल्प इट। ठीक है, मैं एक हैप्पी चिल बंदा हूँ एंड आई एम प्लेइंग अ गेम, तो जोक्स आर इनएविटेबल, तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे। ये पापा का रूम है, ये मेरे पेरेंट्स का रूम होगा ना, ये मेकअप वेकअप धरा है शायद। हाँ जी डॉल जी। Where's my dad? As I said, my master has taken your dad away. Why? Because your dad is a bad person. How do you know पर कि वो bad person है? I mean perspective की बात है। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ भाई, मेरा बापू इतना भी बुरा नहीं है, जिंदा तो रखा हुआ है मुझे। लेकिन वही बात है ना कि किस लेवल पे तुम किसी को बैड पर्सन बोलोगे। अगर वो मुझे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा बट ही इज गिविंग मी फूड एंड वी आर सर्वाइविंग, तो क्या मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं या फिर बुरे? अगर मेरे पापा लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मार रहा है, मेरे फादर ने मुझे बचाया बट वो भी मुझे कभी कभी मारते हैं, तो इज ही अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन? आई गेस ये डिपेंड, फीलिंग्स पे डिपेंड करता है राइट वही इमोशन और फीलिंग्स की बात आ गई कि क्या उसमें लव इन्वॉल्व है, क्या वो, लेकिन अगर लव इन्वॉल्व लाइक हाँ, क्या वो बोझ तो नहीं समझते हमें, राइट? ही इज अ बैड पर्सन। अभी उसकी सच्चाई भी तो नहीं पता ना हमें। अब जैसे वो मॉम को बोल रहा था तू इतनी लेट क्या कर रही है, और मॉम जो है वो काम वाम कर रही है, ध्यान रख रही है बच्चे का, तो मे बी लाइक आई गेस मदर पे इतना प्रेशर आए ही ना अगर बाप जो है वो बढ़िया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला निकले तो, राइट? कि अगर उसे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी आती है तो मॉम की जरूरत ही क्या है कुछ भी करने की? लाइक लिटरली मदर को तो कुछ वो करने का होना ही नहीं चाहिए, लाइक कुछ भी, किसी भी चीज़ की स्ट्रेस लेनी नहीं चाहिए उनको, तो अदर देन कि मेरे बेटे ने खाना खाया सुबह शाम का और क्या उसका होमवर्क हो गया स्कूल का, दैट्स इट। और क्या, थोड़ी बहुत क्लीनिंग, आजकल तो यार मेड्स सब कुछ हो जाता है मैनेज। लाइक जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि जो बच्चा है उसको फूड एंड पढ़ाई एंड उसका इमोशनल जो स्टेटस है वो कैसा है उसका ध्यान रखना है मदर को बस। बट आई गेस सबका अपना पर्सपेक्टिव है। चलो भाई। He often hits and yells at you. Parents like that are taken away by my master to protect children like you. Then I guess he is bad. But this is too much. My dad doesn't deserve that. Okay. I mean, तू डैडी को प्यार करता है, right? He is a bad person. No, he is not. Okay, again, how do you know? जज कैसे कर रहा है तू? जस्ट बिकॉज ही इज योर डैड वो बैड पर्सन नहीं है क्योंकि वो तेरा डैड है। प्लीज लेट माई डैड गो, आई एम बेगिंग यू। ऑलराइट बट माई मास्टर, ऑलराइट बट माई मास्टर वोंट लाइक दिस। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वे टू वेयर योर डैड इज बीइंग हेल्ड। ओके भाई, ये सारी बातें तेरे को समझ में आ रही है? कितना बड़ा हूं मैं? You'll have to use a shortcut if you want to get there in time to save him. Show me the way. The shortcut is through your closet. वो दूसरे dimension में जाने वाले हैं क्या हम? Let's go, I'm coming, Dad, to save you, friend. You still can't open it? That's disappointing. I guess we'll have to use your parents' closet then. Sure. ये हमारे पेरेंट का ही रूम है ना। यहाँ पे एक और रूम है। व्हाट इज दिस? मे बी कुछ सीक्रेट। यू शुड नो दैट दीज क्लोजेट्स कैन फंक्शन एज पोर्टल्स। दे कैन टेक यू एनीवेयर यू वांट, इंक्लूडिंग वेयर योर डैड इज बीइंग हेल्ड। गिव इट अ ट्राई। पोर्टल्स हैं ये। कूल। मॉन्स्टर इंक। देयर इज नथिंग इन हियर। ओह राइट, I forgot. There are a few steps you need to take to activate this shortcut. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसकी इंप्रेशन तो कर रहा हूँ लेकिन हर बार वो इंप्रेशन चेंज हो जा रही है। I can't keep up. इससे पता चल रहा है मैं कितना गंदा वॉइस इंप्रेशन वाला बंदा हूँ। Bring your dad's radio and place it in front of the closet. Okay. Oh, ये वॉइस इंप्रेशन मुश्किल है भाई। Yes here. This radio will work like an elevator button. You need to select a frequency. Oh holy shit, तेरे को कैसे लग रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है ये frequency वगैरह? If you choose the right frequency, the door will open to the place you need to go. Thank you बताने के लिए। ओए portal खुल गया ओए। Seems like that's not it. Let's try again. Sure. आई फील लाइक ये ड्रीम कर रहा है ये बच्चा, यू नो। ओह शिट, व्हाट्स अप लेडी, बाय। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, अब तक बेहोश हो जाता भाई। ए दिस इज द पोर्टल, आई थिंक दिस इज द वन। गो अहेड एंड स्टेप इन, आई विल स्टे हियर एंड वॉच द हाउस। श्योर, चपड़ासी बनेगा तो इसका मतलब बेइज्जती। ओह वो व्हाट इज हैपनिंग? ओ भाई, करेज द कावर्डली डॉग याद आ रहा है मुझे। उनका भी तो ऐसी जगह पे घर होता है। वो देखो ट्रक खड़ा है, घर कहाँ है? ओ भाई बिल फॉक्स। वो व्हाट्स अप रूफ। आई एम लुकिंग फॉर माय डैड। वेयर इज माय डैडी? डिस्क्राइब। छी भाई। My dad's name is Bruce. Wait a moment. ऐसा लग रहा है NPC की साउंड दे दी मैंने इसे, वो कंप्यूटर। There are many Bruces here. Any more details? Is this Bruce a good Bruce or bad Bruce? Is this Bruce okay? अच्छा, bad Bruce. Well, my dad is the kind of person who gets a bit angry. Anger issues, huh? Oh wow, anger issues तो sometimes मुझे लगता है मुझे भी हैं, like you know frustration, frustrate हो जाते हो तुम लोग जब कोई am I the bad Bruce here? जब तुम बड़े हो जाते हो ना, तुम्हें बच्चे डम लगते हैं, होते हैं, लगते नहीं होते ही हैं बच्चे डम। पर वही बात है ना, आई गेस वो मेच्योरिटी वो होती है जब तुम्हें पता है वो डम है बट यू स्टिल एक्ट, यू नो, काम और पीसफुल तरीके से, जो कि मुझे पसंद है। बट समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और कमाल की बात ये है, पेरेंटहुड के लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हें अपने आप को बहुत ठंडे दिमाग का रखना है, ये सब चीज़ें रखनी है, यू नो, क्योंकि तुम्हें पता है तबाही तो मचने वाली है व्हेन यू हैव अ किड इन योर लाइफ। इवन दो आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस क्या होता है उसका, बट यू नो जितना अभी तक दुनिया में रह के पता चला है ऐसा ही लगता है। कहाँ की बात कहाँ चली गई क्या? ही इज अ बैड ब्रूस, लेट मी सी। अबे यार मेरी जरा हो रही है वॉइस, क्या है ये वॉइस? भाई मेरे को लग रहा है मेडिटेशन करनी पड़ेगी एंगर इश्यूज के लिए। आई थिंक वही वर्क करती है मोस्टली। ओह वाओ, मैं अपने आप को फिगर आउट कर रहा हूँ इस गेम को खेलते हुए। वेल तुम्हें गेम बहुत कुछ सिखाती है यार, इफ यू लाइक प्ले एक्चुअल में घुस के उस गेम में ना। भाई कैट है क्या? मैं फॉक्स। ये कैट किस एंगल से है वैसे? बाय द वे हेलो, यू आर अ फॉक्सी, एक्ट लाइक अ फॉक्स। देयर आर स्टिल मेनी बैड ब्रूसेस, मोर स्पेसिफिक्स। मेरी वॉइस ऐसी ही ना हो जाए, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी वॉइस ऐसी रहे भयंकर सी, तो कोई और वॉइस दे तेरे को। There are still many bad bruises, more specifics please. What else does he do? He drinks, ma'am. He often yells. Still not enough information. मैं इसे रोबोट की वॉइस दे देता हूँ। हाँ, NPC. Sometimes he hits me and slaps too. And नहीं, NPC ऐसे थोड़ी बोलेगा। And That's all. I mean, दारू वगैरह नहीं पीता वो। Like, और भी तो ट्रेड्स तूने देखी होंगी कि वो मॉम को कंप्लेन करता है ये वो। यही तो हमारे फादर को जानने का एक राह लाइक टाइम था हमारे पास। The door is behind you. That's a door. Oh, bonfire लग रही थी वो। Okay, goodbye, sayonara, catty, kitty, kitty. Oh wow, jump scare. He just got startled. तेरी नोज ही निकल रही है, चाटा पड़ेगा अभी जोर का। Who are you guys? मैं cool, भाई cool रहते हैं हम। देखो बच्चे आ गए अपनी एज के, तो यू नो ऑरा दिखाना है अब हमें, तो सीरियस। Just like you. उन्हें तो dumb voice दूंगा मैं obviously, dumb है वो लोग। We are kids on our way to find our parents. We are staying here for a bit. Do you want to join us? I'm sorry. I'm in a hurry. टाइम ना मेरे पास। ओके, सी यू लेटर। अबे बच्चे तो बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं। व्हाई आर यू इन अ ग्रेव बाय द वे? आर यू ओके फ्रेंड? ओह वाओ, मैं मैजिशियन हूँ। ये बंदे अपने ख्यालातों में खो रहे हैं। कॉलेज टाइम को याद कर रहे हो सर आप? आई कैन वॉक थ्रू फायर। सर आपको डॉक्टर की जरूरत है। स्टॉप प्रिटेंडिंग यू आर अ सुपर हीरो। आपके दांत आ रहे हैं जा रहे हैं। What is happening? Okay, roast हो गया random children का, बेइज्जती कर दी हमने दूसरों की। Let's go, daddy को ढूंढने। Wow, daddy, are you okay? Bruce, daddy, what happened? दिल का दौरा यहाँ होता है सर, दिल यहाँ पे नहीं। क्या ही तड़पा दिया भाई बंदे को, क्या कर दिया उस रेड फेस ने? और कुछ है यहाँ? Dad, please. Stop punishing me. It's me, Dad. Please stop punishing me. What has he done to you? Come on, let's go home, or Mr. Redface will take both of us. Please stop punishing me. Oh, bhai, acting देखो मेरी तुम। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है? Bruce, are you okay? You are obviously not okay. Yeah, so फिर I go back like doctor. We need a doctor. Hello, ब्रूस क्या करूं मैं? क्या चाहिए? सर दबाऊं तेरा? सर तो है ही नहीं तेरा, आईब्रो से ही तेरा फेस शुरू हो रहा है। क्या मेरे को कैसे जीन्स मिले हैं? मेरे को करना क्या है सच में? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओ चिप स्पेल। ओह शिट, इट्स ओके, आई वाज जस्ट एक्टिंग, डरा नहीं मैं। ए यो, व्हाट्स अप डॉली डॉल? बस करो, नहीं हो रहा और मेरे से हो तो। जीत गई तू, मैं इसे हराना चाहता था पर जीत गई है। hey, hey, मैं तेरी वॉइस भूल गया क्या थी? Hey, what's wrong with you? Why are you hiding in the closet? Mr. Redface has taken Dad. Oh, ये hallucinate और ड्रीमिंग वगैरह। Oh, well, that's a good thing then. I am not joking, Mom. It's a long story. Let me explain. Oh, इसे लग रहा है कि इसने How is your doll Ron doing today? Is it all right? The doll? Mom, how do you know about it? Oh, she's the red face. Of course I know, since you haven't taken your medicine today. Huh? This isn't the first time you have had such hallucinations. Oh, you bimar hai, bacha. Every time you tell a different story, but the common factor is always that stupid doll. Don't you remember the previous times? No. I don't know what is wrong with you. Just go to the bed. It's midnight already. What are you doing in my room midnight पे? मैं चिल्लाया वगैरह क्या? Okay. So he hallucinates. बीमार वगैरह है ये. Don't tell me क्योंकि मेरे father जो है मारते हैं इसीलिए इसको कोई बीमारी है बच्चे को. Mother तो काफी caring लग रही है अपनी. नहीं सो जाते हैं. Wait, maybe सोना नहीं है हमें. Are you sure हमें बाहर जाना है? मॉमी तो वहीं पे ही है. पीट देंगी हमें. Oh wow. अच्छा हाँ. तो ये पिल्स इसकी रखी हैं. चलते हैं अपने कमरे में. Oh shit. नहीं. Heavy hallucinations हो रही हैं bro. Medicine दे दे mother. What just happened son? Are you all right? Do you feel better now? Yeah, Mom. It's Mr. Redface. It's all right. Tomorrow I'll take a day off to stay home and take care of you. Really? Promise me, Mom. I promise. Now go back to sleep. Yes, Mom. Maybe alone रहने की वजह से कि इसका फादर घर पे रह के इसे पीटता पाटता है और मॉम को फिर काम वाम करना पड़ता है. मे बी मॉम को पता ही नहीं है इस बारे में. मॉम, यू हैव ब्रोकन द प्रॉमिस अगेन. ओह अच्छा. आई मीन इसे बैड पेरेंटिंग कैसे कंसिडर कर सकते हैं फिर अगर मॉम ही घर चला रही है तो. एंड डैड थोड़ा यू नो वैसी है बावड़ा सा. मॉम इज अ विन भाई. डैडी इज बैड. और मैं तो अपने कमरे में सो रहा था भाई. अच्छा मदर अपने कमरे में लेके चली गई होगी ना मुझे. अपने कमरे में जाऊं मैं वापस. यस ओके. डॉल तो यहीं पे ही है. व्हाट व्हाट हैपेंड टू यू? ओह शिट मैं इसकी वॉइस भूल गया. माय मास्टर बीट द शिट आउट ऑफ मी. ये लाइन ऐसी वॉइस में कैसी अच्छी लगेगी. माय मास्टर बीट द शिट आउट ऑफ मी. He wasn't happy about what happened yesterday. क्या हुआ क्या? I'm sorry. This is my fault. By the way, have you seen my mom anywhere? My master has taken her away. Oh no! What the freak? What? It just happened. I'm sorry. I couldn't stop him. You should run away because he'll come back soon to take you too. No, I have to save my mom and my dad too. How? Don't you see what he did to me? I found this at my dad's prison. I think it might help us defeat him. That's the spell to defeat Mr. Redface. Come on, quickly go into the closet to find where your mom is being held. इस क्लोजेट में नहीं ना. मेरी मदर वाला क्लोजेट काम करेगा ना. अभी मुझे लग रहा है रेड फेस आके डरा देगा हमें दोबारा. ओ नहीं. We go into the portal. For such a like small game story line तो बहुत सही सी लग रही है मुझे. ओ वाव बच्चे डरे हुए हैं भाई. कुछ हो रहा है भाई. वो मेरी मदर रो रही है. वो किड्स आर यू ओके? व्हाट इज हैपनिंग? सब लल्लू पल्लू बालक डरे पड़े हैं. मैं आ रहा हूं मदर स्पेल लेके. क्विकली थ्रो द स्पेल इन हियर एंड टेक कवर. ओ मेरी मदर रो रही है भाई. मदर व्हाट हैपेंड, मैं जा नहीं सकता. ओके टेक कवर, ऐसे ओ ऐसे. वाई इज शी क्राइंग पर मैं अभी भी हेल्यूसिनेट ही कर रहा हूँ. ओह अच्छा यहाँ पे रेड फेस आ रहा है अभी. ये रेड फेस फादर तो नहीं है? अबे ओए गायब ही हो गया. और रूम तो है. हाँ मे बी मुझे वापस पोर्टल में जाना है अब, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा. ओके आई एम बैक. वो What's happening to you? My master has been defeated. The magic he cast on me is also fading. Are you disappearing? Don't worry. This is what I wanted. You should go outside and see your parents. Okay. Parents. Mother? Oh, mother and father. Are you guys okay? Dad? Mom? Y'all are free now. Oh shit. You've been having an affair, haven't you? I told you I was busy with work. Liar! You have neglected this family for another man. Aren't you ashamed to lie to your son? And what about you? Do you think you are better than me? You're just at home leeching off me all year around. What kind of father are you? No matter what I do, it's my business. I still bring money home to support my child. Tough situation. यहाँ पे कुछ भी judge करना भाई. And if you still think I'm a whore, you are lowering yourself even below that. Oh, whoa. One more word. Fine. You and I will get a divorce. One of us will have to move out of this house. If you're still here tomorrow, I'll take my son and leave. You stay right there. Daddy तो गुस्से में है भाई. Daddy भी गया साथ में. उसके पीछे गया है क्या वो? ओके तो कलेश चल रहे थे वो तो हमें पता ही है. डैडी की गलती है क्लियरली यहाँ पे. अगर वो एक डैड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता और मॉम को वो स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं एंड देन उन्हें फिर मदरली केयर भी करनी पड़ रही है. अब बाकी वो होर सिचुएशन तो काइंड ऑफ फक्ड अप है थोड़ी सी. बट इफ़ यू थिंक लॉजिकली, अगर फादर इतना निठल्ला और वाहियात और गवार और इस टाइप का है, ठीक है, एंड इफ शी थिंक्स, क्योंकि भाई इन द एंड मदर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनको भी इमोशनल और ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए होता है. एंड इफ शी इज नॉट गेटिंग, लाइक वही बात है ना, इस चीज़ में तुम ये तो बोल सकते हो कि हाँ एक लॉयल्टी भी चीज़ होती है एंड ऑल दैट शिट, पर वही है, वही सिचुएशन पे भी तो डिपेंड करता है ना. वो दूसरों के शूज़ में जाके देखो तो पता चलता है. इन द एंड एवरी वन इज़ ह्यूमन और सबके अपने इमोशनल नीड्स होते हैं और ये सब होते हैं. इफ़ द फादर, अगर ये फादर एक प्रॉपर गुड मैन होता तब हम अपनी ही मदर को इसको होर बोल सकते थे कि भाई ये तो फिर तो उसी टाइप की हरकत हुई ना, ये स्लट वाली हरकत ही हुई वो तो फिर. बट नाउ वी नो अबाउट द फादर एज वेल, तो उस पर फिर क्वेश्चनेबल है चीज़ थोड़ी सी. बट इसमें सच कौन बोल रहा है ये भी तो बात है. अब ये इतनी बड़ी दारू की बोतल पी रहा है. इसी सिचुएशन को, पता है कमाल की बात क्या है, इस सिचुएशन को जो हमने अभी देखी है पूरी, इस सिचुएशन को जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ ना, 100% श्योर हूँ मैं तुम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग लाइफ जी है और हम लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस और थॉट्स हैं इन चीज़ों को लेके. लाइक जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम प्रिटी श्योर कईयों के थॉट्स ऐसे होंगे जो मेरे से कंप्लीटली ओपोजिट होंगे और वो लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये ऐसा कैसे सोच सकता है. और मैं अगर उनके कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं कन्फ्यूज रहूंगा कि ये बंदा ऐसे कैसे सोच सकता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे थॉट्स और यू नो दुनिया को देखने का नज़रिया फॉर्म होता है जिस एनवायरनमेंट में हम जी. लाइक छोटे छोटे फैक्टर मैटर करते हैं, क्योंकि जब तक तुम 18, 20 के 21, 22 तक के होते हो ना, तब तक तुम्हारा माइंड फॉर्म हो रहा होता है, तुम अलग अलग चीज़ों से मैनिपुलेट हो रहे। हम सब लोग एक तरह से मैनिपुलेटेड ही हैं अपने एनवायरनमेंट और अपने आसपास के लोगों से, उसी हिसाब से हम फॉर्म हुए हैं। एक मैनिपुलेटेड कठपुतली जिसके अपने थॉट्स है, वो भी उस वजह से जिस हिसाब से हमारा ग्रोइंग अप हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ओके, फुल लेक्चर शेक्चर हो गया, मैंने अपनी भड़ास निकाल दी फीलिंग्स की। लेट्स टॉक टू द फादर, व्हाट हैपेंड डैड। मैन टू मैन बात करते हैं, बताओ क्या हो गया। अबे इधर को भी सरकाओ एक ग्लास यार, आज होई। अबे पूरी बोतल भैंस की। अबे ठीक है, पिटेगा आप बिल्कुल ही। ओ आज तो पिटाई होनी है मेरी, सॉरी डैडी। आज तो ओ आज तो यो गुद्दी तोड़ेगा। फॉक्सी बन गया तू तो। I won't let this happen. He is the red face. Oh shit. So yeah, daddy ही red face है, तो उसने मुझे वो डॉल लाके दी या वो इमेजिन करी मैंने। मैं कोई मेरे को पीटता है वो ऑब्वियसली। तो इसने अपना गुस्सा और अपनी सिचुएशन का पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाला, वही एंगर इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर पाया ये। हाँ, और इतना ज्यादा लेवल पे। नो नो नो, दिस कैन नॉट बी ट्रू। आई एम वेरी सॉरी रॉन, योर क्लोजेट, आई थिंक यू आर एबल टू ओपन इट नाउ। मैं तो आवाज ही 3 बार चेंज कर चुका इन बंदों की। Oh. This is me? तो जो ये डॉल की हालत हुई थी, वो क्या ये फादर का बिहेवियर ही दिखा रहा था। मास्टर ने मारा बोल रहा था ना वो। Wait, am I the doll? क्योंकि रेड फेस जो है उसने इसे मारा था, बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन हो गई थी उसकी। तो क्या हम वो लूप टाइप था ये। एंड अभी मैंने बेसिकली अपने आप को मरते हुए देखा, तो फिर अभी मैं डॉल बन गया। डॉल बन के देख रहा था मैं इस सिचुएशन को। आई थिंक मैं ऑब्वियसली ये हेल्यूसिनेशन और इन सब में कंफ्यूज होके एज अ गेम बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बैड पेरेंटिंग वाला दिखा रहे हैं ये सीन। वाई डोंट आई नो एनीथिंग अबाउट दीज, यू हैव ऑलवेज नोन बिकॉज आई एम द नोइंग पार्ट ऑफ यू। You have tried to deny and reject these things and made up stories to make yourself feel better about you and your dad and me. I have to find a way to lead you back to the reality. I've tried many times, many ways to help you accept the truth as easily as possible. Also, ये इस चीज़ को neglect ही कर रहा था कि मेरे dad जैसे भी हैं, dad है and I love him and जो भी है वो मेरे dad है। जब तो ये बोल रहा था कि मेरे dad को छोड़ो, उन्हें क्यों ले गए तुम ये वो। And every time I fail, guess what happens? Oh, TikTok, boom! All the memories disappear. You once again wake up at the starting point, which is the night your dad murdered you. How long have I been dead? 14 days. It can't have been that long. What really happened to my parents? As for your dad, he's hiding in a cheap motel room. And for the mom part, okay, that's dad. Yeah, same thing. Go home with me, dad. The punishing part. So yeah, वो बावला सा हो रखा है ना। सन की डेथ करी है बाद में, वो तो अल्कोहलिंग में कर दी उसने। अल्कोहल जब पी बट बाद में तो वो हिट हो रहा होगा ना सब कुछ, कितना ही बुरा वो बंदा हिट तो होता ही होगा. व्हाट अबाउट माय मॉम, शी स्टिल सीज मी डजंट शी? दैट्स राइट, बिकॉज शी इज ओनली होम लेट एट नाइट. बट इफ इट्स डे टाइम, सन, वो That's why she was crying. क्योंकि हम क्लोजेट में ही तो ट्रैवल कर रहे थे, अब ये क्लोजेट से देख रहा है. Do you have any clues about your husband's hiding place? You just dropped something, ma'am. What is that? She was crying. मैंने स्पेल दिया था वो मास्टर को मारने के लिए था, which means उसकी हाइडिंग प्लेस मोटेल का एड्रेस वगैरह होगा ये. It's a motel card, but I'm not sure it's mine. Killer father arrested. बड़ी सैड स्टोरी थी यार, बहुत ही डार्क हो गई बहुत ही जल्दी. ये तो एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम केसेस है. आई मीन यस, बहुत सारे अब्यूजिव पेरेंट्स वगैरह होते हैं, बट ये तो बहुत ही एक्सट्रीम वाला हिसाब किताब है. एंड ये बाकी चिल्ड्रन थे, सबके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है. मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी थी यार, आई एम सॉरी भाई, तुम तो मेरे फ्रेंड्स निकले यार. एक्चुअल में जो मेरी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं साथ में. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ गुड प्लेस जहाँ पे है इस तरीके से दिखाया हुआ है. तभी ग्रेव में थी ये लड़की. ओके, काइंड ऑफ पुराने कार्टून्स जैसी एंडिंग है. अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी गेम. डार्क स्टोरीज, वैसे भी मेरे को डार्क चीज़ें और ये सब जब आता है पसंद है काफ़ी ये सब देखना. पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब तुम किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, एंड तुम उस हिसाब से उसे इमेजिन करते हो लाइक रियलिस्टिक. जब तुम किसी गेम में घुस जाते हो ना, कोई भी गेम हो वो, एंड उसकी स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग होती है तो बहुत मज़ा आता है फिर. ओके, आई मीन मिस्टर रेडफेस, ये वही था, अपने पापा को बना रखा था इसने. नाइस. मेरे को नहीं पता एंड में क्या कहना चाहिए मुझे इस बारे में, क्योंकि मैं अपने थॉट्स तो साथ ही साथ शेयर करता आया हूँ. बट डेफिनेटली बहुत डार्क स्टोरी थी. एंड यू नो, आई एम ग्लैड मैंने ये गेम खेली. ऐसी फीलिंग्स है मेरे अंदर अभी कि ओ मैंने गेम खेली हुई है, उसकी स्टोरी बहुत डार्क है, बहुत लाइक वैसी है सिखाने वाली बहुत कुछ. आई मीन पता नहीं, अगर आई एम प्रिटी श्योर अगर मैं इसे 1918 का था जब मैं, अगर मैं इसे तब खेलता ना तो आई थिंक मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता, पता नहीं. पर डेफिनेटली जो अभी जिसे अभी मैं इन सारे पर्सपेक्टिव्स को देख पाया हूँ जैसे, और जो मेरे थॉट्स हैं अभी इस गेम को खेलते हुए, आई फील लाइक कि अगर मैं इसी गेम को ना, जैसे ऐसी गेम्स को, सिर्फ बैड पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी बहुत सारी, किसी को भी, लास्ट ऑफ अस को ले लो, अगर उन गेम्स को मैं तब खेलूँ जब मैं लाइक 40 का हूँ, तो आई गेस मेरे थॉट्स फिर और भी चेंज हो सकते हैं कई चीज़ों को लेके. यू नेवर नो भाई, वी ग्रो अप. ठीक है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं एज वी ग्रो अप. एनीवेज, दैट्स इट फॉर बैड पेरेंटिंग. लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम लोगों को कैसी लगी. एंड वेल, क्या तुम लोगों के आसपास ऐसा कुछ है लाइक इतना एक्सट्रीम नहीं, यू नो, बट होता ही है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तुम्हारे कानों में आ जाता है कि उस घर में ऐसा सीन होता है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, मैं पढ़ूंगा इसके। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ गेम प्लेज। आई मीन पता नहीं, तो बहुत भारी हो गया चैनल के लिए। ड्रॉप अ लाइक इफ यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।